नमस्ते, मैं यश सुनील। आप सबका पद्मिनी एंटरटेनमेंट के इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको 2015 के कुछ मशहूर खबरों से वाकिफ करता हूं। तो चलो नजर डालते हैं 12 महीनों के 12 खबरों पे। अभी हम नजर डालते हैं जनवरी में हुए नागरिक अलंकरण पुरस्कार समारोह के विजेताओं पर। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विजय भटकर, स्वप्ना दास गुप्ता, रजत शर्मा, बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और संजय लीला भंसाली, रविंद्र जैन और तारक मेहता, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं फरवरी 2015 की सबसे महत्वपूर्ण खबर। 2013 के केवल 49 दिनों की सत्ता के बाद दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने हासिल की एक महत्वपूर्ण जीत, जिसमें उन्होंने 70 में से 67 जगहों पर अपना वर्चस्व दिखाया और 14 फरवरी 2015 में रामलीला मैदान पे अरविंद केजरीवाल ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अकॉर्डिंग टू एक्ट 66A, कंप्यूटर और मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजना दंडनीय अपराध है। न्यायालय ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि ये एक्ट भारतीय संविधान की धारा 19A का उल्लंघन है, जो हर भारतीय को भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार देती है। अप्रैल महीने की अनोखी खबर। एक 12 साल की मुस्लिम लड़की ने कमाल कर सबसे वाहवाही लूटी। इस्कॉन की तरफ से आयोजित गीता चैंपियन लीग में 195 स्कूलों से 4000 छात्रों ने इसमें सहभाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहने वाली मरियम सिद्दीकी नामक छात्रा ने इसमें अव्वल नंबर प्राप्त किया। मरियम ने इस मौके पर समाज को संदेश देते हुए ये कहा कि दुनिया में मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मई की गर्मी में एक राहत देने वाली खबर। स्वाइन फ्लू एक बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। इसके जांच के लिए 2 से 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्वालियर ने एक ऐसी किट बनाई है जिसकी वजह से ये जांच 2 से 3 घंटे में ही हो सकती है। ये किट मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज में अवेलेबल की जा सकती है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि उन्हें ये किट बड़े पैमाने पर उपलब्ध करना है या नहीं। जून महीने में मनाया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और करीब 36,000 लोगों ने नई दिल्ली राजपथ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 35 मिनट तक 21 योगासन का प्रदर्शन किया। बस नई दिल्ली नहीं बल्कि बहुत सारे देशों ने यह दिवस मनाया। राजपथ पर हुए इस समारोह ने 2 गिनीज रिकॉर्ड में अपनी स्थापना भी कर ली। बॉलीवुड के कई हस्ती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने भी अपनी हाजिरी दी। जुलाई महीने की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस खबर। सलमान खान की रिलीज हुई बजरंगी भाईजान ने 3 दिन के अंदर आमिर खान के पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां आमिर खान के पीके ने फर्स्ट वीकेंड में 95 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं बजरंगी भाईजान ने 102 करोड़ रुपए कमाते हुए 2015 के सभी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2015 के अगस्त महीने की सबसे महत्वपूर्ण खबर ये कि इंडियन वुमेन हॉकी टीम करीब 36 साल बाद ओलंपिक्स में वापस चुनी गई है। इसके पहले 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में इंडियन वुमेन हॉकी टीम आखिरी बार खेली थी। इस चुनाव से 2016 में ब्राजील में होने वाले समर ओलंपिक्स में इंडियन वुमेन हॉकी टीम को हिस्सा लेने को मौका वापस मिलेगा। सितंबर 2015 भारत के वैज्ञानिकों के नाम रहा। भारत का भेजा हुआ मंगलयान पहले ही प्रयास में सफल रहा और इसी के साथ भारत विश्व का पहला देश बना जिसने मंगलयान पर पहली बार में सफलता प्राप्त की। और इस मंगलयान को बनाने के लिए केवल 450 करोड़ रुपए लगे। अमेरिका के और चीन के राष्ट्रपति ने इस पर भारत को बधाई भी दी। देश के नौजवान पीढ़ी जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह बड़ी प्रेरणा का विषय है। अक्टूबर की सबसे बड़ी न्यूज, भारत के बेहतरीन बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। वीरेंद्र सहवाग ने अपने क्रिकेट करियर में 104 टेस्ट मैच के साथ 151 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8473 रन बना के 15 शतक वनडे में और 23 शतक उन्होंने टेस्ट में दर्ज किए हैं। परफेक्ट टाइमर के नाम से जाने वाले वीरू अपने करियर के आखिरी पड़ाव में अपने फॉर्म से जूझ रहे थे। नवंबर 2015 की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2015। नीतीश कुमार ने लगाई सत्ता की हैट्रिक।
महागठबंधन ने जीते 178 सीटें जबकि बीजेपी 58 पर सिमट गई। इसी परिणाम को मद्देनजर रखते हुए नीतीश कुमार बने मुख्यमंत्री और उन्होंने ऐलान किया कि उनके सरकार में होंगे 3 दलों के मंत्री। इसी प्रकार लालू प्रसाद यादव का हुआ सियासत में पुनर्जन्म। दिसंबर में बनी सरकार सुरक्षा के प्रति भावुक। निर्भया बलात्कार हत्याकांड के जुवेनाइल अपराधी की 3 साल की सजा काटने पर रिहाई के फैसले से जनता ने नाराजगी व्यक्त की। जनता के आक्रोश से सरकार ने जुवेनाइल की आयु 18 से 16 और बलात्कार खून जैसे घिनौने अपराधों में जुवेनाइल को एडल्ट मानने का प्रस्ताव पास किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पद्मिनी एंटरटेनमेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड टू वॉच प्रीवियस वीडियोस प्लीज क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू।